लोग बाग ऐसे फेंकते रहते हैं, क्यों नहीं आती कूड़े की गाड़ी? कि कूड़ा चारों तरफ पड़ा हुआ है, कोई सफाई कोई झाड़ू कुछ नहीं होता यहाँ पे। लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। गंदा, ये सारी सड़कें खराब हुई पड़ी। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस का बोलबाला शुरू हो चुका है, उसी के ऊपर बात करने के लिए आज हम आए हैं उत्तम नगर में। यहाँ के विधायक हैं नरेश बल्यान। अब लोगों से हम जानते हैं कि क्या उनकी मांगे यहाँ पे पूरी की जा रही हैं या नहीं। नमस्कार अंकल, अपना नाम बताइए और बताइए। नाम हमारा है चोखेलाल जी। बताइए क्या शिकायत है आपको यहाँ? शिकायत ये है कि यहाँ पर इतनी महंगाई है जी। सरसों का तेल देखो 195-95 लीटर दे रहे हैं। गैस देखो 900 रुपया, 1000 रुपया एक सिलेंडर है जी। सामान इतना महंगा है कि आदमी क्या करे, न बच्चों खिला सकता है न आप खा सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं। रोड की हालत देखो कैसे रोड है, आज तक रोड का सुधार नहीं हुआ। सफाई गंदे हो, समझो गंद पड़ा हुआ है। देख लीजिए सामने। आपका नाम बताइए अंकल। यादव सिंह है मेरा नाम। बताइए अंकल जी, आपको क्या समस्या है? अरे ये रोड की बहुत समस्या हो रही है। अरे रोड, ये रोड की बहुत समस्या है और ये सीवर वगैरह सफाई वगैरह भी नहीं हो रही बिल्कुल। हाँ। कितना टाइम हो गया सफाई हुआ है यहाँ पे? सफाई को आते ही नहीं है, कभी आ जाते महीने दो महीने पंद्रह दिन महीने महीने दो महीने में आते हैं। इस रोड पे तो आते ही नहीं है। रोड पे तो आते नहीं है, ये बात इस कोने पे तो बिल्कुल नहीं आते। बताऊँ सफाई नहीं आते, कूड़ा कूड़ा। तो कूड़े की गाड़ी आती है कि नहीं आती है यहाँ पे? कूड़े गाड़ी आती है, सफाई वाले नहीं आते। नाली बंद पड़ी है, ये नाली सारी बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो अंकल जी अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन की बातें हो रही थी या गैस पाइपलाइन की जो बातें कह रहे हैं कि लगाई जाएगी, लग गई है, वो लग गई है कि नहीं? नहीं लगी। गैस लाइन नहीं आई। प्रताप इनके लिए गैस लाइन की लाइन अभी नहीं पड़ी है, लेकिन घर घर वो लोग आ करके वहाँ सर्वे कर गए हैं, लेकिन अपने रूप बिहार में नहीं हुआ। आपके घर में हुई है? नहीं जी। आपका नाम बताइए। सीमा। अच्छा, क्या समस्या है आपको? हमें यहाँ समस्या, देखो गंद की दुनिया भर का है, हमें सब चीज़ की वो प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ की वो आती है ना। हमें ना राशन का ढंग से मिलता है, ना किसी चीज़, किराएदार भी होके किसी चीज़ की सुविधा हमें मिले तो बताओ कहाँ मिल रहा है। जिस चीज़ को हम लेने जाए वो चीज़ हमें मिलती कहाँ है? कहते दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ। ऐसे दुनिया में देखो पानी, कचरा, क्या चीज़ मिल रहा हमें बताओ? हमसे पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ के लिए जाते हैं, बताइए क्या चीज की हमको मिल रहा है सुविधा? यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या है। बिजली तो चलो आ रही है, ढंग से आ रही है बिजली, तो चलो सही आ रहा है। बिजली में पानी भी सही आ रहा है, अब तो केजरीवाल का सही है केजरीवाल। लेकिन ये जो कचरा वचरा, इससे आपको दिक्कत? बहुत भरा रहता है ना, कूड़े की गाड़ी हफ्ते में आती है, कभी 4-5 दिन लोग बाग ऐसे फेंकते रहते हैं, क्यों नहीं आती कूड़े की गाड़ी? किस लिए नहीं आती? किसी चीज की हमें सुविधा बताओ, किस चीज़ की मिल रही है हमें? कोई आके साफ नहीं करवाता है इसको? नहीं कराता यहाँ, ना कोई आता, ना नेता आते, ना कोई आता। हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम, 10 बार तो नेता के पास जाओ तब जाके यहाँ एक बार आएगा तब जाके करवाओ। ना कूड़े की गाड़ी, कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं आते यहाँ पे, कुछ नहीं आता यहाँ पे। हम आप लोग यहाँ पे, आप लोग की ये क्या बोलते, तबीयत वगैरह खराब होती होगी इन सबकी? सबकी होती है तबीयत, क्यों नहीं होती? दुनिया में सबकी होती है। कचरा डालते हैं हम 10-10 बार, मना करते हैं फिर भी रात को लोग आते हैं फेंकते हैं, कूड़े की गाड़ी आती नहीं, तो फिर परेशान तो है ही दुनिया, यहाँ किसको बोले हम। राजेंद्र है। हाँ, आपकी समस्या? मेरी समस्या ये है, एक तो यहाँ पे सीवर हमेशा ही भरे होते हैं, आए दिन कंप्लेंट करते हैं, गाड़ी आती है यहाँ पे खींच के ले आती है, फिर वही समस्या आती है। हम चाहते हैं प्रॉपर कोई समस्या हो, या तो कहीं जॉइंट किया जाए इसको। बीच में हमारे विधायक जी कह रहे थे जी हम इसको यहाँ से, एक हमारी पैसे आ गए हमारे पास, हम यहाँ सीवर डाल के इसको ठीक कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई समस्या सॉल्व नहीं। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पे रोडे रोडे पड़े हैं वहाँ तक। ठीक है जी, दूसरी समस्या ये है, हम फेज 5 के अंदर रहते हैं, फेज 5 के अंदर ही 2 टाइम पानी उधर पीछे आता है गली के उधर, हमारे पास 1 टाइम आता है। क्यों हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? क्या आपको हम वोट नहीं देते? जब हम वोट दे रहे वो भी देते, 2 टाइम पानी देते, तो हमको क्यों 1 टाइम देते? हमें भी 2 टाइम दो। ये समस्या जी हमारी। बाकी कूड़े का अभाव तो देख सकते हो आप कि कूड़ा चारों तरफ पड़ा हुआ है, कोई सफाई कोई झाड़ू कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये नालियाँ देखो कितनी भरी पड़ी हैं, बहुत समस्या समस्या जी। देने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमारे आगे भाई वोट देना भैया। अरे वोट के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं दिखाते कहाँ गए कहाँ नहीं गए।
यहाँ पर इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं, जो कि आज तक गंदगी नहीं सफा हुआ। का नाम बताइए। मेरा नाम अमरनाथ है जी। सही है जी, देखो यहाँ पे बारिश में इतने तरह पानी हो जाते हैं, चिक्कड़ होता है, फिर लोग गिरते रहते हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आपका नाम बताइए। अजय राय। समस्या है कि चारों तरफ जो है कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है जी। विधायक जी हैं नरेश बाल्यान जी, हाँ। विधायक जी कुछ भी देखने भी नहीं आते हैं यहाँ पर, और पानी का एकदम बुरा हाल है ना। सीवर भी बंद है जी, सारे नालियाँ भी बंद है जी, जल बोर्ड का पानी भी गंदा आता है जी, कोई निकास नहीं है यहाँ पर। कितना टाइम हो गया लास्ट टाइम उन लोग को आए हुए यहाँ पे? हो गया क्षेत्र में कम से कम 4-5 साल हो ही जाता जी, आते ही नहीं बिल्कुल। अभी इलेक्शन आने वाले, लग रहा है कि वो लोग आएंगे अभी यहाँ पे? अब भाई होर्डिंग टंगी हुई है, अब घूमेंगे लोग, नेताएं घूमेंगे अब तो बिल्कुल जी, अब तो आना ही आना है। और यहाँ पे जैसे अंकल जी बता रहे थे कि गाड़ियाँ जाती हैं, फिसल के गिर जाती हैं जी, बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पे, होता है स्लिप करती है गाड़ियाँ, गिरते ही गिरते हैं। और जैसे कि ये बता रहे थे कि इनका पूरा का पूरा पानी यहाँ घर के अंदर दुकान के अंदर पूरा भर जाता है, वो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी, इतना इतना पानी भर जाता है, पानी आता है, बाल्टियों से निकालना पड़ता है अंदर से। अरे ये सारी नालियाँ भरी पड़ी, पूरा पानी भरा पड़ा है यहाँ पर नालियों में, कोई सुन नहीं वो कार के पास, और ये भी सारी भरी पड़ी, सब गंदा है, ये सारी सड़कें खराब हुई पड़ी बस। और कोई बाकी बिजली और पानी की कोई, मतलब पानी की कोई समस्या, बिजली की समस्या? टाइम आता दो टाइम नहीं आता। खारा आता है कि मीठा आता है, इस चीज़ की कोई बात? कभी खराब आता कभी सही आता। अच्छा, और बिजली और ये गैस की पाइपलाइन डल गई है यहाँ पे? नहीं अभी नहीं डली। कह रहे थे कि कब तक डलेगी, कब तक नहीं डलेगी, कुछ बताया? आपका नाम बताइए अंकल जी। नाम गिरीश कुमार शर्मा है मेरा जी। आपकी समस्या यहाँ पे बताइए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? एक तो रोड तो बनी नहीं है, ये कच्ची पड़ी है, बरसात में हाल खराब हो जाता है, और नाला जो है नाला नहीं बना हुआ, पानी की निकासी नहीं है। कितना कितना टाइम हो गया लोगों को आए हुए यहाँ पे, ये वोट और इलेक्शंस के टाइम पे ये सब बताइए। मैं तो 97 से रह रहा हूँ जी यहाँ पे। अच्छा, तो फिर उसमें आपने कितना उतार चढ़ाव क्या क्या देखा? हमने तो बहुत कुछ देखा जी, पहले मकान हमारा था 5 फुट ऊपर रोड से, उसके बाद 3 फुट नीचे चला गया, अब दोबारा फिर तोड़ के बनाया जी।